मनरो को आउट कर दें। हाँ, जिस तरह पिछले मैच में तो दोनों ही फारे हो गए, उस्मान खाजा और मनरो। पिछले मैच में आसिफ अली ने भी परफॉर्म किया है, इफ्तिखार ने भी किया हुआ है। छठी विकेट में 123 रन रिकॉर्ड बना लिया था। पिच अच्छी है, विकेट्स लेनी पड़ेंगी कराची के बॉलर्स को। यानी ये स्कोर अलोन इतना नहीं है कि इस पे बहुत एनएसआर जो उनकी बैटिंग लाइनअप है उस हिसाब से रन्स वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे रन्स हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह मनरो की फिर भी 10-15 रन कम नहीं, मैंने आखिरी दो ओवर में पावर है ना, सही है, अब मुतमईन है, चलिए राशिद ले गए तो बना लिया, और क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, 200 हो जाता तो अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छे रन्स है, सही है। मनरो और ख्वाजा की फॉर्म बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ जो इफ्तिखार की और आसिफ अली की जो फॉर्म आई है इन्होंने जो पिछले मैच में उन्होंने, लेकिन सबसे अजीब सी मुझे चीज़ एक ये लगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों की है। हाँ। पिछले मैच में बैटिंग की थी, उससे साफ जाहिर नजर आया कि शायद राशिद खान की प्रेशर की वजह से इन्होंने सेकंड बैटिंग की। राशिद भाई टॉस तो बड़ा प्रेडिक्टेबल था इस पीएसएल में, आप जीते हुए भी थे उस पे, जीते हुए भी थे। जो पिछला मैच था इनके 3-4 बैट्समैन अच्छी फॉर्म में नहीं थे, सही है, लेकिन इसमें देखा जाए लास्ट मैच हुआ है उसमें इफ्तिखार भी और आसिफ अली भी, फिर शादाब, तीन प्लेयर तो ये हैं कि जो कि शादाब कप्तानी अच्छी कर रहे हैं। शादाब नहीं इतनी अच्छी नहीं की, अच्छा इससे बेहतर हो सकती है, लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि पहला मैच जो हारे ये लोग वो अपनी अपनी कप्तानी की वजह से हारे थे। लेकिन आज जो कराची नजीब रजरान ने जो बैटिंग की है, 71 रन, क्योंकि यहाँ पे इनको बिठाने की बात हो रही थी कराची टीम में, लेकिन वो खेले तो एक होप हुई है कि नबी के जाने के बाद एक और अच्छा बैट्समैन इनको मिल गया है। और बाबर आजम ने पिछले कराची की से मैंने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन कराची की मैच हार गया था और आपका ये ख्याल था कि एक सेल्फिश इनिंग्स है। आज बाबर इनिंग्स की इनिंग्स कैसी है बाबर आजम की? सेल्फिश इस सेंस में नहीं, रन तो उसके बहुत अच्छे थे, सेल्फिश उस सेंस में थी कि जो उसने 51 रन किए 47 बॉल्स पे, नेक्स्ट जो 36 किए वो 16 बॉल पे, सही है। वो जो पहले 50 थे वो तेज खेलता, तो वो उस हिसाब से हमने बोला था कि सेल्फिश है। आज की इनिंग्स कैसी है बाबर? मेरे हिसाब से 100 कर सकता था। जो प्लेयर अगर ऊपर आता है, ओपनर आता है और पूरे ओवर तकरीबन खेल ही जाता है, 100 बनता है बाबर को 100 करने चाहिए, क्योंकि जब आप 19 से 20 ओवर खेल जाते हैं ना और 80-85, इसका मतलब है कि आप सेंचुरी कर राशिद को। उसकी एक वजह ये हो सकती है, शायद वो इतना बड़ा हिटर नहीं है, इतने बड़े छक्के नहीं लगा सकता, इस वजह से, वरना 100 बनते हैं। चलें अब देखते हैं फिंगर्स क्रॉस के क्या नतीजा निकलता है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।